भी अभी अपने अपने घर में नहीं जा सकते। यो, क्या हुआ वो? वो अभी मैंने फोन किया था कि पूजा करने से पहले नए घर में गृह प्रवेश मत करना। हाँ? दया भाभी, हमने तो सिर्फ रिनोवेशन कराया है ना। लेकिन माने कहा है कि मरम्मत करवाने से उस जगह पर बसे हुए लाखों जीव जंतु, देवी देवता, उनको बहुत कष्ट पहुंचता है। इसलिए पूजा करके, उनकी माफी मांग के, उनको प्रसन्न करके फिर उस घर में गृह प्रवेश करना चाहिए। माय डियर जीजा जी, आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। स्पेशल सरप्राइज? अरे सरप्राइज आपके नए नवेले सुंदर सजीले घर के अंदर है। घर के अंदर? फिलहाल आप अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ किया। बस अब आंखों पे आप लाल पट्टी बांध दीजिए। अभी कोई है जो मुझे मेरे घर तक पहुँचा दे? मैं हूँ ना पापा। आइए 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 आइए। सब बैठो। सीढ़ी आई। पापा उम्र है संभल। कितना प्यारा बना है। माय गॉड, सुपर। कैसे लगे सरप्राइज? अरे भाई कोई मेरी पट्टी खोले तो मैं देखूं ना। अरे क्या कोई पट्टी खोले जीटिया? अरे तेरी आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथों पे थोड़ी बंधी है। अरे खुद खोल ले। वाह वाह बापू जी वाह। ये क्या झूला? अरे झूला कहाँ से आया? अरे जम्मू के पापा, यही तो है सुंदर वीरा की सरप्राइज झूला। माय डियर जीजा जी, झूला देख के एकदम खुश हो गए। वीरा ने खास अंदाज से भेजा है। अब आपको जब भी मर्जी हो तब इस पर आएंगे आराम से झूला झूलने। अरे सुंदर का तो जन्म ही मुझे झुलाने के लिए हुआ है, वो मुझे जिंदगी भर झुलाता ही रहेगा। कैसे लगे सुंदर हीरा की सरप्राइज? अरे जो जो जिन जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। मुझे आ गया। ए बापूजी, हमारे बचाव के घर में भी ऐसा ही झूला था नहीं? हाँ हाँ जेठिया। और जेठिया तुझे पता है, सुंदर ने मुझे पहले ही फोन करके पूछ लिया था कि हमारे बचाओ के घर में ऐसी क्या क्या चीजें थी जो तुझे बहुत पसंद थी। ओहो अच्छा। हाँ एक मिनट, ला ला ला। अरे भाई सुंदर, तूने तो दिल खुश कर दिया। आज तक मुझे ऐसी सरप्राइज किसी ने नहीं दी। आज का यह गृह प्रवेश तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अरे भाई डियर जीजा जी, आपको गृह प्रवेश भी याद रहेगा और झूला सामने रहेगा तो मैं भी याद रहूंगा। अरे भाई तुझे तो मैं लाख कोशिश करूँ ना तो भी कभी भुला नहीं सकता। थैंक यू। ओ हाँ थैंक यू। अरे लेकिन सुंदर एक बात बता, तू ना अहमदाबाद में बैठे बैठे कैसे ये? अरे अपना सब सेटिंग है भाई डियर जीजा जी। जीजा जी आप आम खाइए ना, गुटलिया क्यों गिनते हो? वो भी है, चल फिलहाल नहीं गिनता। और जीजा जी अब आप अपने नए घर का आनंद लीजिए। चलिए आप चारों को नए घर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू सुंदर, थैंक यू थैंक यू। हाय सब लोग यहाँ।
आइए आइए नट्टू काका, बाघा बावरी आइए, देखिए हमारा ये रिनोवेशन वाला नया घर। आपको नया घर बहुत बहुत मुबारक हो नाथालाल जी। थैंक यू गौरी। गौरी नहीं सेठ जी, बावरी। चल चल पहले उसको सुधार। गलती से मिस्टेक हो गई। अरे कब तक तू गलती से मिस्टेक करती रहेगी? जब तक सूरज चांद रहेंगे। बाघा सेठ जी, फॉरगेट बावरी, आज के शुभ दिन पर हम आपके लिए आपकी फेवरेट चीज लाए हैं। बाघा शो प्लीज। ये लीजिए सेठ जी, आपके मन पसंद गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी। क्या सुगंध है। थैंक यू नट्टू काका, बघा आप लोगों ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। सेठ जी क्रेडिट गोज टू बावरी। फाफड़ा जलेबी लाने का आइडिया उनका ही था। अच्छा। हाँ बावरी जी ने मुझसे कहा कि हम सेठ जी के नए घर में पहली बार जा रहे हैं तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाते। तो मैंने बावरी जी से पूछा कि हम सेठ जी के लिए क्या ले जाएं। तो बावरी जी ने मुझसे पूछा कि सेठ जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। मैंने कहा फाफड़ा जलेबी। वाह वाह वाह, थैंक यू बावरी, थैंक यू। आइए आप लोग बैठिए बैठिए, आइए आइए आइए। अरे वाह बागा, क्या बात है। ओहो हो, नए सोफा सेट, क्या बात है। वाह 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 सेठ जी, ये सोफा सेट आपने नए बनवाए? आपको क्या लगता है? लगते तो नए ही हैं। तो फिर पूछ क्यों रहे? सेठ जी रिनोवेशन एकदम मस्त हो गया। सेठ जी अब आपका घर घर नहीं रहा तो? Now it has become a villa. विला? नट्टू काका कह रहे हैं कि अब आपका घर शानदार बंगला लग रहा है। हाँ। बागेश्वर जी, जब मेरे मम्मी पापा ये घर देखेंगे तो आप पर बहुत खुश हो जाएंगे। बागा पे क्यों खुश हो जाएंगे? क्योंकि उनकी नजरों में तो ये घर बागेश्वर जी का ही है। बागा बावरी, तुम दोनों कान खोल के सुन लो, अगली बार बावरी के माँ बाप मुंबई आए तो वो लोग घर में या दुकान में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। सेठ जी आप फिक्र मत कीजिए, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मुझे तो क्या? क्या 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 झूला? बागेश्वर जी आपको तो पता है मुझे झूला कितना पसंद है, क्या मैं थोड़ा झूल सकती हूँ? नहीं नहीं आपके साथ। नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब है कि सेठ जी से पूछना पड़ेगा। जाओ जाओ बेटा, सेठ जी ना थोड़े ही कह रहे हैं। चलिए बागेश्वर जी। अरे अरे सुनिए, अरे वाह सेठ जी क्या फैंटास्टिक गुला बना है। रे ये अरे अरे ओ अरे आज अरे क्या सुबह को है? अरे भाई पहला दिन है, ये तोड़ देंगे, क्या कर रहे हैं? इतना जोर जोर से थोड़ी करते, ये पूरा हिल गया है। कमान कमान किड्स, पार्क बंद होने का टाइम हो गया, झूले पर से उतरो। जी वाह, क्या इतना जोर इधर तक आ गए, मजा आया नहीं बावरी जी? हाँ बागेश्वर जी। सेठ जी एक बात कहनी पड़ेगी, आपके घर में बेस्ट पीस ऑफ डेकोर दिस झूला, नहीं बागा? हाँ हाँ नटू काका, सेठ जी कहाँ से लिया? वो सुंदर ने भेजा अहमदाबाद से। अच्छा, वाह 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 वाह, साला तो सुंदर भाई जैसा, क्या झूला दिया है। नहीं सॉरी सॉरी सेठ जी। भाई नंदन सेठ जी, बापू जी, टप्पू सेठ जी और सेठानी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो बापू जी और टप्पू अपने कमरे में टप्पू सेना के साथ है, और दया वो माधवी भाभी और अंजलि भाभी आए ना तो उनको किचन दिखा रहे। क्या खुशबू है लापसी की, वाह वाह दया भाभी। एक्चुअली माधवी भाभी खुशबू से ही मेरा तो मन तृप्त हो गया। ऐसी गुड़ वाली लापसी बने ना मुझे मेरी माँ ने सिखाया। हमारे यहाँ कोई भी शुभ प्रसंग हो ऐसी गुड़ वाली लापसी तो बनती ही है। अच्छा, अरे पर आप लोग मुझे ये तो बताइए कैसा लगा आपको मेरा किचन? दया भाभी आपके किचन के क्या कहने, और इस साम्राज्य के सम्राटनी अगर आप हो तो वो किचन मामूली कैसे हो सकता है? मुझे तो देख के ही तादृश्य हो रहा है कि ये किचन में दया भाभी का मुठिया, थेपला, हांडवो, खांडवी, ढोकला सब बनने वाला। वाह 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 दया भाभी क्या खुशबू है।
मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट। कहाँ जाना? दरवाजा बंद। क्या हुआ अंजलि भाभी? अंजलि भाभी दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे समझने की कोशिश कीजिए, दरवाजे से बाहर जाके ये खुशबू मेरे घर तक पहुँचेगी। जैसे ही तारक के नाक में ये खुशबू पहुँचेगी, सीधा उड़ी मार के तारक यहाँ आ जाएंगे। मतलब मेरे डाइट प्लान की तो बैंड बज जाएगी ना। हाँ टप्पू, हम यहीं पढ़ाई करेंगे। हाँ यहाँ पे पढ़ाई करेगा तो मजा आ जाएगा। किचन भी पास में। लेकिन गोगी, वो हमारे साथ कैसे पढ़ेगा? देख, हम लोग कॉलेज में और तू अभी तक स्कूल में, तो तेरी तो पढ़ाई अलग होगी ना। हाँ मुझे अलग पढ़ना पड़ेगा। हाँ वो भी है। मुझे पता था तुम लोगों ने मुझे इसमें भी अकेला कर दिया। दादाजी देखिए ना, ये लोग मुझे हमेशा अकेला कर देते हैं। अरे बेटा टप्पू। अरे अरे गोगी चिल, इतना मस्ती क्यों कर रहा है? मस्ती कर रहा है गोगी चिल। जहाँ भी पढ़ेंगे साथ मिलकर पढ़ेंगे। थैंक यू। हाँ हाँ सब लोग साथ में ही पढ़ाई करना। लेकिन बच्चों, सबसे पहले अब तक तुम्हें जिस भिड़े सर ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। जाओ भिड़े सर के आशीर्वाद लेकर। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे एकदम मस्त कलर है। हाँ नहीं, छे के छे मिल गई। हाँ करेक्ट करेक्ट। ओके वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जियो जियो, जीते रहो बेटा, जीते रहो। वाह वाह भिड़े अंकल, चेयर झाले बघितलं का? घर तो मस्त है, ये चेयर भी बहुत मस्त है ना। तो भिड़े अंकल वो पुरानी बेंचेस? वो तो मैंने निकाल दी, उसकी जगह पे नई स्टडी चेयर लेके आया हूँ, और उसके साथ ये नया वाला ब्लैक बोर्ड भी। अरे वाह मस्त है ना। और ये चेयर की खासियत है, मतलब जब भी बुक रखनी है तो ये साइड वाला टेबल है ना, ऐसे आगे लेने का बुक रखने की, जब जरूरत नहीं है तो निकाल के नीचे रख देने का। और तो इस पे प्लेट रख के खाना भी तो खा सकते हैं। इसको इधर भी खाना सूझ रहा है। कमाल है। पर भिड़े अंकल आपका घर सुपर है और स्पेशली ये चेयर। हाँ इस पे पढ़ने का भी मजा आएगा। हाँ पर अफसोस अब हम लोग यहाँ पर पढ़ नहीं पाएंगे। अरे तो क्या हुआ, उसे उदास क्यों हो रहे हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है बेटा। अभी तुम लोग कॉलेज चले गए, अभी गोगी नए स्टूडेंट के साथ यहाँ पे बैठ के पढ़ेगा। यस। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग की तरह ही अच्छे मार्क्स से पास होके एम के गांधी कॉलेज में एडमिशन लेगा। पक्का ना भिड़े अंकल? मेरा मतलब है, मतलब पक्का भिड़े अंकल? चलो फ्रेंड्स मेरा रूम देखने जाते हैं। चल चल तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा मिठाई लेके आता हूँ। चलो तो फ्रेंड्स बहुत से कैसा लगा मेरा रूम? सुपर मस्त, माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी यहाँ से चलो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? अरे फ्रेंड्स मुझे लगता है हम लोग सोनू के कमरे में नहीं किसी प्रिंसेस के कासल में आ गए। ओए हाँ यार, मैनू तो लगता है मैं एक फेरी लैंड में आ गया हूँ। सीरियसली सोनू, योर रूम इज वेरी ब्यूटीफुल। यस सच में, थैंक यू। मुझे पता था तुम लोगों को मेरा रूम बहुत अच्छा लगेगा। तब उसे ना तुम सबके लिए करंजी। वाह सबके लिए बोला मैंने। हां एक 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 हां ये लो। थैंक यू, थैंक यू भिड़े अंकल। आज तू आयो को थैंक यू भिड़े अंकल। काका लेकिन अभी इसके बाद नाश्ता भी रखा है बाहर। हां नहीं नहीं भिड़े अंकल, नाश्ता गोली घर पे। हाँ। चलो फ्रेंड मेरे घर पे, मेरे पापा का नया क्लिनिक दिखाता हूँ। हाँ अच्छा अच्छा। और भिड़े अंकल नाश्ता पार्सल कर देना। ओके पार्सल कर देना फ्रेंड। चल चल गोली, नाश्ता पार्सल पाहिजे याला। कमाल है बाबा।
नव उमंग नव तरंग जीवन का नव प्रसंग नवल चाह नवल राह जीवन का नव प्रवाह। जी हाँ, नए आनंद नए उमंग नए उत्साह के साथ हम लोग अपने नए नवेले घर में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन घर वैसे नहीं है जैसा सोचा था। अरे घबराइए मत, घर उससे कहीं बेहतर है। अब नए घर में तो हम प्रवेश कर चुके हैं और इस नए घर में होंगे नई शरारतें, नए हंसी, नए ठाके और बहुत कुछ नया नया। और आपके घरों में ठाके बहुत ज्यादा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए नए रूप में नए अंदाज। ये देखो, ये तो फाइल है और इसमें क्या खास है, इसको दिखाने के लिए इतना हल्ला मचा रहा था। ओ पप्पू, ये फाइलें नहीं है, अभी देख। ओए पापा जी। टिंग 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 टिंग। अब तो जम के पार्टी करेंगे। पार्टी? क्या पार्टी? पार्टी? कौन सी पार्टी सोनिया? अरे अभी तो तुम लोग बोल रहे थे ना पार्टी करेंगे। यारो, अब बताओ कौन सी पार्टी भाई? हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।